भगवान का चरण का जो तुलसी चंदन का खुशबू वैकुंठ से बहते हुए आया ब्रह्मलोक में। ये चतुर्सन पहले ये परम ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान को निराकार निर्विशेष मान करके तपस्या करते थे, लेकिन जब इनकी नासिका में भगवान का चरण तुलसी की सुगंधि प्रवेश की, ये एकदम उन्माद हो गए। बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहे हैं? बोले बच्चों ये भगवान का चरण तुलसी और ये चंदन का खुशबू है। बोले पिताजी जिनकी चरण की तुलसी की इतने खुशबू वो कितने सुंदर नहीं होंगे? बोले हाँ बेटे बड़े सुंदर है। बोले उनको दर्शन करके आए? बोले जाओ दर्शन करके आ जाओ। उनने छह दरवाजा पार हो गए, सप्तम दरवाजा पार हो तो प्रभु का दर्शन। वहां पर जय विजय खड़े थे, इतने में लठिया लेकर के उनको रास्ता बंद कर दिए। बंद करते ही जैसे सोए हुए किसी सर्प को जैसे छेड़ दो, ऐसे ही चतुर्सन को इतना क्रोध आया। बोले वैकुंठ स्थान का नाम वैकुंठ है, वैकुंठ का मतलब होता है जहां पर काम क्रोध लोभ मोह जहां पर है ही नहीं, ईर्ष्या द्वेष जहां पर नहीं। और हम जैसे इतने बड़े बड़े संतों को प्रश्न करने का पूछने का जरूरत है, हमारे रास्ता को रोक दिया, हम तुम दोनों को अभिशाप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बन करके मर्त्य जगत में जाओगे। अभी तो रोने लग गए, इतने में प्रभु जी आ गए। बोले क्या बात? बोले प्रभु ऐसे ऐसे बात है। प्रभु जी बोले ये मेरी इच्छा है, क्योंकि एक बार वैकुंठ में जाने के बाद वहां से कोई इसी मर्त्य जगत में नहीं आते हैं, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने पर जीव कभी ये मर्त्य जगत में नहीं आते। फिर आए कैसे? बोले मेरी इच्छा है। भगवान को बताया अखिल रसामृत मूर्ति, मतलब है रस बार रस है, सारे रसों का मूर्तिमान स्वरूप भगवान। बोले मैं सारे रस को आस्वादन तक की, लेकिन एक रस अभी मैं आस्वादन नहीं कर पाया। बोले कौन सा? बोले वीर रस। वीर रस मतलब लड़ाई झगड़ा करना। अभी मैं कैसे किसको साथ में लड़ाई झगड़ा करूं? एक हाथी एक चींटी को साथ में लड़ता नहीं, हाथी हाथी को साथ में लड़े ना फिर पता चलता भैया कुछ मिला है। इसलिए मैं सोच रहा था किसको साथ में मैं लड़ाई करूं, इसलिए मेरी इच्छा से चतुर्सना आए और तुमको अभिशाप दिए हैं। देखो अगर मेरे भक्त बन करके जाओगे सात जन्म के बाद में वापस आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तीन जन्म के बाद में आओगे, बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी वैकुंठ में वापस आ जाए। बोले जाओ तुम दोनों राक्षस बन करके जाओ। ये जय विजय सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए, भगवान नरसिंह और बराह अवतार में बद गई। फिर यही दोनों त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बन करके आए, प्रभु राम ने बद की। फिर त्रेता युग में शिशुपाल और दंत बकर बन करके आए, फिर कृष्ण बद की। फिर वही दो फिर कलियुग में फिर आते हैं, क्योंकि कृष्ण जब कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, फिर ये दोनों जगाई और माधाई, ये जगाई माधाई रूप में आए, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु इनको भगवत प्रेम प्रदान किए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते कृष्ण ये सब कारणों को लेकर के भगवान प्रभु ने इसी जगत में अवतरण हुए। कितना कारण हो गया? दस बुरी हो गई कि नहीं? कल मैं आप सबको मैं पूछूंगा देखूंगा कौन बोल पाता है, जो बोल देगा ना ये दस कारण, कल हम उसको बढ़िया इनाम देंगे। इसलिए सबका लिख करके लेकर आना, ऐसे नहीं डर मार कोई आओगे नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो अभी हम गोकुल में चलते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस का कारागार में प्रभु अवतीर्ण हुए, आज हम सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बनकर कैसे आते हैं। कहते श्री नंद बाबा के जो पिताजी थे उनका नाम था परजन बाबा,
उनके थे पांच बेटे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन। ये पांच भाई है। पहले ये नियम होता था 50 साल के बाद में कोई घर में नहीं रहते थे, इसलिए चार आश्रम है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य 25 साल, उसके बाद में फिर 50 साल तक गृहस्थ, फिर 75 साल तक उनका वानप्रस्थ, फिर उसके बाद में सन्यासी। ये चार आश्रम है, इसलिए 50 साल के बाद में शास्त्र कहता है घर में नहीं रहनी चाहिए। देखो जो अंक आता है ना, एका वन, मतलब घर में नहीं, बन जाओ वृंदावन में, जा भजन करो, बा बन, चौ बन, ये बन बन शब्द है। इसलिए भागवत में बताया 50 ऊर्धे बनम ब्रजे, ये 50 साल के बाद में घर में नहीं रहनी चाहिए, वृंदावन में जाकर के भजन करो। बोले क्यों? कहते भगवान हमें ये जो मानव शरीर दिया है, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये जीवन मिलता है। ये जीवन का एक ही उद्देश्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब वो ब्रह्म को हम कैसे पहचाने। क्योंकि 84 लाख जन्म में एक इंसान को छोड़ करके कोई भी भगवत आराधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो चार आश्रम का केवल एक उद्देश्य है भजन करना। देखो पहले अभी जैसे स्कूल कॉलेज में जाकर के ना एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर करते हैं, पहले नियम था हर बच्चों को गुरुकुल में जाना, 25 साल तक वहाँ गुरु जी के आश्रम में रह करके गुरु जी की सेवा करना, वेद पुराण उपनिषद सारे ग्रंथों को पढ़ना और गुरु जी की सेवा करना। अब रामायण देखे होंगे, अब लोग कृष्ण लीला देखे होंगे, कृष्ण स्वयं 25 साल तक गुरुकुल में गए। अब राम देखे होंगे 25 साल तक उन्होंने अभी 64 दिन में 64 विद्या गुरुकुल में अध्ययन किया है। उसको बाद में फिर गुरु जी प्रश्न करते हैं, बोले बेटा बताओ अभी क्या करोगे, अभी तुम्हारी पढ़ाई हो गई, अभी जो बच्चा को ये अनुभूति होता था ये मानव जन्म का केवल एक उद्देश्य है वो भगवान को जानना, वो फिर घर में वापस नहीं आता था। बोले गुरु जी हमारी इच्छा है आपके चरण में रहते हुए भगवान की भक्ति करते हुए मुक्ति की मार्ग देख ले। लेकिन जिनकी बहुत ही संसार की इच्छा होती थी, बगैर शादी के रह नहीं सकते हैं, फिर गुरुदेव बोलते थे बेटा घर में जाओ, लव मैरिज नहीं करना है। पहले लव मैरिज नहीं था, पहले क्या होता था आपको पता होगा, जितने बड़े बूढ़े को पूछ लो, कभी भी कोई लड़की लड़का को देखने, लड़का कभी लड़की को देखने नहीं आता था। पिता माता अपना वर्ण जाति के अनुरूप जा करके पिता माता स्थिर रख करते थे, यहीं पर शादी करो, बच्चे आंख बंद करके वहीं पर ही शादी कर लेते थे। इसलिए देखो कभी डाइवोर्स का नाम कभी सुने हो? ये बड़े बूढ़ों को पूछ लो, कुछ दिन पहले डाइवोर्स था, अभी भारत में 50% डाइवोर्स हो रहा है। कारण क्या? कारण क्या? बोले कारण यही है, हम लोग ने लव मैरिज करना चाहते हैं। इसलिए कहते आई लव यू, आई लीव यू, फिर लास्ट में आई किल यू, लास्ट में जाता है। इसलिए आगे पहले वर्ण धर्म के अनुरूप शादी करते थे। बोले कब तक? बोले 50 साल तक, ज्यादा नहीं है। इसलिए दोनों पति पत्नी मिलकर के क्या करो, ये आश्रम है भजन करो। देखना जब शादी होती है ना, सालग्राम को रखते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, उसमें मंत्र पढ़ते हैं, कहते हम शादी क्यों कर रहे हैं, कारण क्या? बोले कारण है, हे सालग्राम, पति जाता है बाहर काम करने के लिए, पहले पत्नियां नहीं जाती थी, पति जाता था। बोले पति जब बाहर काम करने जाएगा फिर तेरे सेवा कौन करेगा, तेरे को भोग कौन लगाएगा है, तेरे को श्रृंगार कौन करेगा, ये घर को कौन देखेगा। इसलिए हम, इसलिए स्त्री का एक नाम है सहधर्मिणी, मतलब पति की धर्म में जो भक्ति धर्म में जो मदद करे। इसलिए आप देखे होंगे पहले, आप पिता माता को देख लेना, सवेरे उठकर क्या करते थे, ठाकुर को स्नान कराना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर को श्रृंगार करना, तुलसी में पानी देना, तुलसी की परी, यही। अब देखो अपना मैया को, मैया को देख लो, यही करते थे ना, घर में रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, यही तो करते थे। इसलिए पत्नी क्या करती थी, पूरा ठाकुर को सेवा को पत्नी देखती थी और पति जाता था बाहर काम करने के लिए। लेकिन कितने साल तक? बल 50 साल। बच्चे जन्म हो गए, शादीशुदा हो गया,
जान बुझ करके संसार में टांग उकड़ा कर नहीं रहनी चाहिए। बच्चे बहू घर में आ जाए ना, फिर क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होना हो जाता है। अगर बहू आ गई, चाबी पकड़वा दो और अपना वृंदावन में जाओ, सत्संग करो, भजन करो, गीता भागवत पढ़ो, और जिस काम के लिए भगवान ये जीवन दिया है, ब्रह्म को जानने के लिए, वो काम कर लो। क्योंकि ये मानव शरीर बारंबार ठाकुर जी हमें नहीं देने वाले हैं, इसलिए उसको बाद में अगर भजन नहीं करोगे तो देखो क्या अंक आता है, 51, 52, 54, 55, फिर आता थे 69, फिर सठिया बन जाओगे। फिर हम कहते हैं ना, अरे अभी से क्या भजन करेंगे, हैं? अभी कोई भजन का उम्र है कि बचपन से तिलक कंठी धारण, जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा एक दो माला सटका लेंगे। बोले सरकार रिटायर्ड क्यों करता है, जब देखता है और 8-10 घंटा बैठ कर काम नहीं कर सकता, बेकार हो गया। बोले जाओ, हो गया तुम्हारी जो कुछ होना। फूल जब खिला हुआ रहता है ना, तब ठाकुर के चरण में चढ़ता है, मुरझा जाने पर नहीं। कागज जब कोरी रहती है उसके ऊपर लिख सकते हो, लिखने का बात नहीं। मिट्टी जब कच्चा होता है उसमें कुछ बन सकती है, पकने पर कुछ नहीं बनती है। बांस जब कच्चा रहता है, किधर टेढ़ा कर दो, वो पक जाए ना टूट जाएगा, लेकिन वो टेढ़ा होने वाला नहीं। इसलिए है, इसलिए 69, फिर सठिया बन जाओगे, 60, 61, बोले सठिया बन जाओगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास एक बात कहते हैं, बोले सठ सुधर सत संगत पाई। अगर इस उम्र में, अगर जीवन में साधु संग हो जाए ना, कहते सठ सुधरे सत संगत पाई, ये सठ भी सुधर जाएगा अगर संतों का संग मिल जाएगा। अगर सत्संग मिल गया ना, 69, 70, 71, तर मतलब तर जाओगे, और सत्संग में जाओगे तो क्या होगा, सत्संग से ही तुम्हारी जीवन उधार हो जाए, तर जाओगे। इसलिए श्री परिजन बाबा को जब 50 साल हो गया, एक समय उन्होंने सारे बच्चों को उन्होंने बुलाया, तो देखो बच्चों अभी तुम लोग बड़े हो गए हो, अभी तुम्हारी शादी से तो हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी हम दोनों पति पत्नी चाहते हैं वृंदावन धाम में जाए और सत्संग करे, भजन करते हुए जीवन को हम बिता दें। हाँ देखो, अगर हम नहीं जा पाए किसी कारण से, घर छोड़ नहीं पाए, वो स्थिति नहीं बनती है, लेकिन कम से कम अपना घर में तो भजन करो, घर में तो थोड़ा माला। इसने टीवी खोल करके उल्टा पुल्टा दिन भर की पिक्चर, गंदी गंदी फिल्म, उल्टा पुल्टा पेपर, दुनिया बेटी वो की चर्चा, अरे इसको छोड़कर कम से कम हरिनाम तो करो, बैठ कर घर में इतना तो क्या करो कम से कम, हैं? इसलिए उन्होंने बोले, हम चाहते हैं, हम दोनों पति पत्नी हम भजन करने के लिए जाते हैं। बच्चे लोग राजी हो गए, बोले ठीक है पिताजी। बोले सबसे जो बड़ा बेटा उपानंद है, हम चाहते हैं उनको हम राजा विषय करके जाए। लेकिन उपानंद खुद बोल पड़ा, बोले पिताजी यद्यपि मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे नहीं, अगर बनने का कोई तो नंद है, मझला बेटा नंद है, इसलिए उनका नाम नंद, मतलब आनंद इति नंद, जो सबको आनंद प्रदान करे। अभी नंद बाबा राजी होकर के श्री सबसे जो मझला बेटा था उनको राजा विषय करवा दिया, करके दोनों पति पत्नी भजन करने के लिए वृंदावन में चली गई। कहते चार बच्चों का तो संतान है, लेकिन श्री नंद बाबा का घर में कोई संतान है नहीं। अभी नंद बाबा चिंता में पड़े, भविष्य में फिर राज सिंहासन को कौन संभालेगा, इसलिए घर में एक लाला की जन्म हो जाए, इसलिए उन्होंने यज्ञ, तीर्थाटन, तपस्या, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन घर में किसी तरह से कोई बच्चा जन्म नहीं हुआ। मैया जसोदा की उम्र निकलती जा रही है बच्चे जन्म देने का। एक दिन गोकुल में कुछ संतों का टोली आई, वो संतों ने नंद बाबा को उन्होंने उपदेश दिया, बोले बाबा जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, लकीरी मतलब होता है भाग्य, तुम्हारी भाग्य में जो नहीं, फकीरी मतलब होता है साधु, अगर सचमुच से कोई साधु हो, अगर वो आशीर्वाद दे देना, भगवान भी अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके, संतों का प्रतिज्ञा को भगवान भी रक्षा करते हैं। उन्होंने साधु सेवा की इतने महिमा बताए, भगवान संतों का हृदय में निवास करते हैं, इतने महिमा बोले। नंद बाबा बोले भैया जब गंगा बहते बहते
घर को सामने आ गई, गोता क्यों नहीं लगा ले? बोले बाबा आओ कुछ दिन ये गोकुल में टिक जाओ, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं रहो और डट करके भजन करो, हम सब व्यवस्था कर देंगे। बोले कोई बात नहीं। संत लोग गोकुल में रह करके बड़ा सुंदर भजन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी राधा रानी की जय महारानी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय बोल कुंज बिहारी की जय 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 बोल कुंज बिहारी की जय जय जय। संत लोग भजन कर रहे थे। एक दिन एक ब्रजवासी देखने के लिए गया, ये संत लोग कर रहे हैं क्या? देखा संत लोग माला जप कर रहे थे, आपस आपस में चर्चा कर रहे थे। देखो नंद बाबा का घर में कोई छोरा नहीं है, इनकी इच्छा घर में कि लाला की जन्म हो जाए। उसने सुन करके आया और नंद बाबा को बोले, बोले नंद बाबा मैंने संतों को दर्शन करने गया था, देखा वो आपस में चर्चा कर रहे थे, नंद के घर में छोरा कब है, लाला कब है वो। बोले तुमने सुना है? बोले अभी अभी अपना कानों से सुन करके आता है। नंद बाबा बोले भैया जब संत लोग कहते हैं मेरे घर में लाला कब है वो, संतों का वाणी कभी झूठा नहीं होता है, भगवान संतों का वाणी को रक्षा करते हैं, मेरे घर में तो जरूर लाला होगा, संतों का खूब सेवा करो सचमुच से। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखो एकदम सच होता है। नंद यशोदा सुंदर एक स्वप्न देखा, बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसौ क्रीड़ांगमयम लोक्यते। वो स्वप्न था और दोनों का नींद खुल गई। नंद बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखो है। बोले जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखो, पहले आप अपना स्वप्न की बात बताओ फिर मैं अपना स्वप्न की बात बताऊंगी। नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरे गोद में सुंदर एक श्याम रंग का बालक तुम्हारी स्तन पान करते समय दोनों धार से दूध बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, जैसे सचमुच से तेरे गोद में एक सुंदर बालक। मैया बोली मेरी स्वप्न की बात सुन लो। बोले बताओ। बोले मैंने भी देखा है एक सुंदर श्याम रंग का बालक मैया मैया करते करते मेरे पीछे भी जा रहा है और कपड़ा खींच करके मैया मेरे को गोद में उठा ले, मैया मेरे को दूध पिला दे, मचल रहा था। सचमुच से उसी रात को ही मैया यशोदा ने गर्भधारण की। जब गर्भधारण की ना ब्रज में पूरा हल्ला हो गया, मैया यशोदा लाला जन्म देने वालों है। भैया संतों का आशीर्वाद बड़ा आशीर्वाद है, फिर तो संतों की खूब जय जयकार होने लग गया। इतने में गर्भ में जब बच्चा आए ना, अभी तो पहले मशीन लगा कर पता लगा लेते छोरा होगा ना छोरी होगा, लेकिन पहले बड़ी बूढ़ी गोपियाँ कुछ लक्षण से पता लगा लेती थी। एक गोपी बोली जसोदे लगता है तेरे गर्भ में एक लाला का जन्म होने वाला। बोले तेरे को पता कैसे पड़ा? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला लग रहा है, मतलब गर्भ में बच्चे लाला होगा। एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली बोले तुमने कुंवारी पण में जुड़मा केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले ऐसे लग रहा है तेरे गर्भ में जमज दो बच्चे हैं, सचमुच से कृष्ण और जोगमया थे। जब गर्भ में बच्चा हो माताओं को चटपटी चीज खाने की इच्छा करती है,
यद्यपि मैया यशोदा बड़ी जितेंद्रिय थी, बोले मेरे मन में तो खीर खाने की इच्छा कर रही हूँ। बड़े सुंदर गैया घी, गैया दूध, उसमें घी डालकर काजू किशमिश डालकर खीर बनाई, नारायण को भोग लगाए, मैया यशोदा को दूध पिलाए, खीर खिलाए। लग रहा था जैसे आज रात को ही किसी बालक की जन्म हो जाएगी। नंद बाबा का एक बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो बड़ी प्रसन्न होकर के घर में आ गई। अभी भाभी गर्भवती, घर का काम काज भगवान देखेगी, वही सारे काम काज को देख रही थी। आज भादो की महीना, अष्टमी का तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, ऐसे लग रहा था मन आज रात को ही किसी बालक की जन्म हो जाएगा। है जब साधारण रूप में कोई मंत्री आए ना, उसके लिए कितने स्वागत होता है। आज स्वयं पालनहार, स्वयं जन्म लेने वाले, अजन्मा स्वयं जन्म लेने वाले। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अतः सर्व काल पेत काल परम शोभन, संपूर्ण वृंदावन धाम, एकदम जैसे पति आने पर पत्नी सुंदर सोल श्रृंगार करके पत्नी को सामने, पति को सामने जाती है, ऐसे ही वृंदावन धाम एक दुल्हन का भांति वृंदावन धाम सज गई है। प्रत्येक वृक्ष में फल फूल से एकदम लद गई वृंदावन धाम। कहते वृंदावन धाम के जितने लता पताएं इतने प्रसन्न हो रहे थे। बोले क्यों कि लता पता क्यों प्रसन्न हो रहे थे? बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे, रचयति नवजो न द्वंद्वमस्मिनि मंदम। बोले कृष्ण जब बड़े होंगे, प्रभु कुंजो कुंजो में मधुर मधुर लीला करेंगे, जब लीला करेंगे कम से कम मुझे दर्शन मिलेगा। इसलिए सारे लता बताएं प्रसन्न हो रहे थे। बोले ये वृंदावन धाम क्यों प्रसन्न हो रहा था? बोले भगवान हर अवतार में उन्होंने पादुका स्वीकार किया है, उन्होंने पादुका पहने, लेकिन कृष्ण ही एक अवतार हुए जो पादुका जिन्हें धारण नहीं किया। इसलिए कृष्ण जब गैया चराने जा रहे थे, मैया यशोदा बोली लाला तो गैया चराने जा रहे हो, तेरे लिए हैं जूती, दो जूती और एक छतरी बना देती हूँ। बोले मैया हम ग्वाला हैं, हम गोपाल हैं, हमारे जो इष्ट ये गैया हैं, गैया हमारी इष्ट हैं, हमारे जो इष्ट वो जूते और छतरी नहीं, मैं हम सेवक होकर कैसे धारण करे? अगर मेरे लिए जूती बनाओगे ना दो ना, जितने गैया सबके लिए चार चार जूती बना दे और सबके लिए एक एक छतरी बना दे, फिर मैं धारण करूंगी। इसलिए कृष्ण नंगे प्यार में पूरा वृंदावन धाम को उन्होंने भ्रमण की और कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके श्री वृंदावन धाम इतने प्रसन्न हो रहे थे। कहते उसमें जो घास, बोले घास नहीं, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जैसे उसका रोंगटे खड़े हो जाते थे। बोले उसमें जो झरना है, बोले झरना नहीं, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जैसे गिरिराज गोवर्धन से, जैसे आंखों से आंसुओं की झरी बहती थी। इसलिए वृंदावन धाम बड़े प्रसन्न है। बोले हर अवतार में ठाकुर मेरे ऊपर में कृपा की। जब भगवान सत्य युग में आए, अभी देखा ना भगवान वामन बन करके आए, उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया था, उसी अवतार में मुझे चरण स्पर्श करवाया, और बराह अवतार में भगवान पृथ्वी को उद्धार किया था, इसलिए उसकी गर्भ में ये नरकासुर ने जन्म लिया था। बोले प्रभु मेरे पत्नी बनाए। और रामावतार में मेरे ऊपर में कृपा की। बोले कैसे आप लोग बताओ तो, माता सीता की जन्म कहाँ से हुई है? कौन बोलेगा हाथ उठा? मैया सीता ने कहाँ से आई है? कहाँ से आई? धरती से, धरती से आए। अभी सीता की शादी किसको साथ में हुई? राम को। फिर धरती को साथ में प्रभु राम का संबंध क्या हो गया? बोलो कौन बोले? राम का ये क्या लगती है? सांस लगती है। इसलिए पृथ्वी सोच रही है रामावतार में मेरे को अपना सासु बनाए प्रभु। अभी कृष्णावतार में आ रहे हैं, हैं? कृष्णावतार में प्रभु कहते स्वयं ये पृथ्वी सत्यभामा बन करके आएगी। बोले अपना पटरानी प्रभु मेरे को बनाएंगे। नंगे प्यार में संपूर्ण वृंदावन में प्रभु रमण करेंगे। इसलिए पृथ्वी इतने प्रसन्न पृथ्वी हो रही थी। बोले यमुना नदी इतना प्रसन्न हो रही थी, जमुना त्रि से कलकलनाद करते हुए हाँ अपना लहरियों को द्वारा, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, कलकलनाद से बह रही थी। बोले क्यों? बोले कृष्ण अवतार में प्रभु यमुना में जल विहार करेंगे,
इसलिए जमुना का रंग कैसे है? काली काली। बोले क्यों? बोले कृष्ण चिंतन करते करते जमुना काली हो गई, इसलिए वो श्यामा हो गई, काली हो गई। और ये जमुना एक स्वरूप में ये विशाखा वृंदावन में, ये विशाखा कृष्ण की एक सखी है। यही जमुना जब मथुरा जाती है फिर कृष्ण का पटरानी बनती है, इसलिए ये बहु रूप में ये कृष्ण सेवा करेगी। इसलिए जमुना नदी बड़ी प्रसन्न हो रही थी, जल विहार करेंगे। कहते और जितने नदी सब इनकी छोटी बहन की, जमुना सबसे बड़ी है, और जितने नदी इनकी छोटी बहन, और जितना नदी वो भी प्रसन्न हो रही थी। बोले क्यों? वो क्यों प्रसन्न हो रही थी? बोले कृष्ण जब यमुना को साथ में शादी करेंगे इनकी सब छोटी बहनें बनेंगे, इसलिए कृष्ण का बन जाएगी ये साली। कभी कभी देखना दामाद अपना पत्नी से कभी कभी सालियों को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वो सोच रही हैं कृष्ण हमें भी अपना साली नाता होने का नाता हमें भी कृष्ण प्रेम करेंगे। बोले कृष्ण जब आए कभी जो कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन ये कमल फूल खिल गया रात में। बोले रात में क्यों खिल गया? बोले जितने संत लोग जब भगवान का स्वरूप को उदाहरण देंगे, वर्णना करेंगे, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। बोले सब कमलों को साथ में उदाहरण देंगे। बोले प्रभु का हस्त कमल, नेत्र कमल, चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, सब कमल कमलों को साथ में उदाहरण देंगे। इसलिए कमल एकदम रात को ये कमल फूल खिल गया। उसका दूसरा कारण बताए। बोले कमल फूल क्यों खिल गया? कारण क्या? बोले कारण है कृष्ण जब आए, हाँ कृष्ण जब आए उसी दिन था अष्टमी का रात। अष्टमी का जो चंद्रमा होता है वो आधा होता है, लेकिन आज कृष्ण अवतीर्ण हो रहे हैं, इसलिए कृष्ण अवतीर्ण होने का नाते कहते जो चंद्रमा ये बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं। बोले भगवान राम जब आए थे, बताओ तो प्रभु राम का जन्म कौन सा वंश में हुआ है? बोलो कौन बोलेगा? भगवान राम कौन सा वंश में आए हैं? सूर्य। कौन सा वंश में आए? सूर्य वंश में आए। इसलिए जब उन्होंने सूर्य वंश में आए, सूर्य वंश में प्रभु आए आए तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णना करते हैं, एक महीना तक रामलला की जन्म महोत्सव बिताए राम अयोध्या में, एक महीना तक। अभी सबके सब रामलला की जन्म उत्सव में सबके सब नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन केवल उसमें एक व्यक्ति था जो बड़ा दुखी था। बता सकते हो उसमें कौन दुखी था? संपूर्ण अयोध्या नाच रहे थे, सारा दुनिया आनंद कुमार नाच रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा दुखी था। बता सकते हो कौन दुखी था? कहते उसमें चंद्रमा दुखी थे। बोले क्यों? चंद्रमा एक कोने में बैठी बैठी करके रो रहा था। भगवान राम ने पूछा, भैया सारा दुनिया मेरे जन्म उत्सव में नाच रहे गा रहे, तू बैठ करके दुखी क्यों, रो रहे क्यों? बोले रोऊंगा नहीं, क्या हंसूंगा? बोले तू भी हंसना, तू भी नाच। बोले प्रभु देखो ये जो सूरज है, क्योंकि भगवान सूर्य वंश में आए, सूर्य का जो प्रचंड तेज है 12 बजे, इसलिए भगवान एकदम 12 बजे प्रभु राम जन्म हुए होने का नाते सूरज एक जगह से हट नहीं रहे थे, एक महीना तक एक जगह पर खड़े हुए थे। चंद्रमा बोले प्रभु देख सूर्य को देखो, तभी तो मैं आ सकता हूं, जब ये सूर्य जाएगा चंद्रमा तभी आएगा ना। बोले ये एक महीना से देखो एक जगह पर खड़ा हुआ है, वो हट नहीं रहा है, इसलिए प्रभु इसी अवतार में तो मैं आनंद से वंचित हो गया। भगवान ने बोले कोई चिंता मत करो, मैं जब अगला अवतार में आऊंगा ना फिर चंद्र वंश में आऊंगा, अभी तो मैं सूर्य वंश में आऊंगा। बोले प्रभु पता नहीं कब आवा आओगे। इतने में भगवान राम ने कहा, देखो मेरा नाम तो राम है, लेकिन सारा दुनिया तेरे नाम से मेरे को बोलेंगे, बोलेंगे रामचंद्र रामचंद्र, इसलिए तेरे नाम को मैं अपना नाम में जोड़ देता हूँ, खुश हो? बोले प्रभु मैं खुश हूँ। अभी कृष्ण कौन सा वंश में आ रहे हैं? चंद्र वंश में आ रहे हैं, इसलिए अष्टमी का रात था, लेकिन चंद्र वंश में प्रभु आ रहे हैं, इसलिए चंद्रमा एकदम पूर्णिमा में जैसे पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट होते हैं, चंद्रमा आज तो एकदम पूर्ण रूप में प्रकटित हो गई।
और उसमें इतना तेज था, चंद्रमा में इतना तेज था कि मेरे वंश में प्रभु आ रहे हैं, इसलिए कमल फूल को भ्रांति हो गया, भ्रम हो गया ये चंद्रमा सूर्य है, क्योंकि सूर्य का किरण से ही कमल फूल खिलता है, लेकिन कमल तो भ्रांति में पड़ गया, भ्रम में ये चंद्रमा ये सूर्य है, सोचा शायद ये सूरज है, इसलिए ये कमल फूल क्या हो गया, एकदम रात में भी ये कमल फूल खिल गया। कभी जितने सारे फूल है ऑक्सीजन का जो फूल है सबके सब, अतः सर्व काल पेत, जितने छह ऋतु एक साथ में, एक छह ऋतु प्रकट हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। ठाकुर जी अभी चंद्रमा ऊपर में और मेघ नीचे होता है, मेघ नीचे चंद्रमा ऊपर में। आप लोग सुने होंगे जब कृष्ण जन्म हुए आकाश में रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी आकाश में, मेघ नीचे चंद्रमा ऊपर में, अभी चंद्रमा और मेघ में लड़ाई चल रही है। चंद्रमा ने कहा मेघ मेरे सामने हट जा, मेघ कहता है मैं क्यों हटूंगा, बोले तेरे को पता नहीं कृष्ण किसकी वंश में आ रहे हैं, आज कृष्ण मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ ने कहा तेरे वंश में आ रहे हैं लेकिन किसका रंग लेकर के आ रहे हैं, किसका कलर लेकर के, आज प्रभु मेरे रंग को लेकर के आ रहे हैं। संत लोग जब भगवान के रूप को वर्णना करेंगे कैसे वर्णना करेंगे, नव जलधर घन श्याम, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले नव मिड्यते अभ्र बपुषे तड़िताम्बराय गुंजाब तंस परिपीछलसत मुखाय। संत लोग मेरे रूप को साथ में वर्णना करेंगे, इसलिए चंद्रमा कहते तेरे रूप तो लेकर के आ रहे हैं लेकिन वंश में मेरे आ रहे हैं। देवता लोगों बोले भैया अभी लड़ाई करने का थोड़ी समय है, अभी तो आनंद लेने का समय है, तुम भी आनंद ले, इसको भी आनंद लेने दे, तुम भी थोड़ा हट जा, इसलिए चंद्रमा भी आनंद ले और तुम भी आनंद लो। इसलिए भगवान जब आए ना विश्व ब्रह्मांड आनंद आनंद में, सारे देवता लोग आकाश मार्ग से स्तुति कर रहे थे, बोले सत्यम व्रत सत्यम परम त्रिसत्य सत्य स जोनीम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्री सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। सारे देवता सबके सब स्तुति कर रहे थे भगवान को, सत्य सत्य त्रिसत्य बोल करके, बोले आपका धाम सत्य, आपका भक्त सत्य, आप सत्य, आप सनातन स्वयं भगवान कृष्ण ही। देखो आकाश में जो मेघ छा जाए ना, विशेष करके चार व्यक्ति खुश होते हैं, बोले कौन कौन, पहले किसान खुश होता है, बोले क्यों, बोले किसान खेती भैया है, अगर बारिश नहीं हुआ तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। आकाश में कौन सा मेघ, कृष्ण रूपी मेघ कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए हमारे टीकाकार कहते हैं जब कृष्ण रूपी मेघ आकाश में आ गए, बोले यहाँ पर किसान कौन है, बोले पितामह ब्रह्मा, जिन्होंने ये दुनिया को उन्होंने सृष्टि की है, लेकिन राक्षस लोग आकर के कंस आदि जरासंध आदि शिशुपाल दंत बक्र सबके सब आकर के बड़ी उत्पात मचा रहे थे, इसलिए पितामह ब्रह्मा जी बड़े दुखी थे, क्योंकि उन्होंने सृष्टि को उन्होंने की है, लेकिन जब देखा आकाश में कृष्ण रूपी मेघ आकाश में आ गए, ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले अभी कोई चिंता नहीं, प्रभु आकर के परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान संतों को पालन करेंगे दुष्टों को विनाश करेंगे, इसलिए ब्रह्मा खुश हो रहे थे। बोले दूसरा व्यक्ति कौन खुश होता, बोले मोर। आप लोग देखे होंगे मोर कब नाचता है, जब आकाश में काला मेघ छा जाए और वहां पर बिजली चमकना शुरू करे और धड़गड़ शब्द होता है, उसी समय में मयूर थिरक थिरक करके मोर नृत्य करता है, बोले भैया यहाँ पर मोर कौन है, बोले श्री नीलकंठ श्री भोले बाबा, अभी हम सुनेंगे कैसे शंकर जी प्रभु को दर्शन करने आएंगे। इसलिए शंकर जी नंदीश्वर रूप में आप ब्रज में गए ना, नंदगाम गए, वो नंदगाम में वो कौन है, बोले नंदीश्वर महादेव स्वयं पर्वत रूप में प्रभु आए शंकर जी प्रभु जी की सेवा करने के लिए, इसलिए शंकर जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बोले तीसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है, बोले कौन, बोले चातक, ये एक चिड़िया होता है, ये किसी नदी का पानी नहीं पिएगा, किसी तालाब का पानी नहीं, जब आकाश से बारिश हो केवल उसी पानी को वो पीता है,
इसलिए चाहतों को हर समय उसका आवाज निकलते आने, प्यासा हम पानी पानी हर समय चिल्लाते रहता है। क्यों? वो किसी नदी का पानी तलवा का पानी नहीं पिएगा। कहते यहाँ पर चाहतों को नहीं, बोले नारद आदि भक्त वृंद कब भगवान जन्म लेंगे, हम प्रभु की लीला दर्शन करेंगे। हाँ, इसलिए नारद आदि भक्त भी प्रसन्न हो रहे हैं। बोले चौथा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता है? बोले दाबा नल में दग्ध हाथी, जब जंगल में आग लग जाए हाथी को बड़ा कष्ट होता है, इधर उधर भागता रहता है। लेकिन वो कब आग बुझेगी? जब बड़े धूम थर का बारिश ही हो, हाँ घनाघोर बारिश ही हो, तभी ये जंगल का आग बुझ सकती है। इसलिए ये लोग कौन है? बोले इंद्र चंद्र वायु वरुण जितने देवता लोग राक्षस लोग इनको बड़े अत्याचार कर रहे थे, लेकिन जब देखा कृष्ण रूपी मेघ आकाश में छा गए, सारे देवता प्रसन्न हो रहे थे, अभी भगवान कृष्ण आएंगे, सारा पृथ्वी प्रसन्न होकर के सबके सब जयकार दे रहे थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, कोई कोई जयकार नहीं दे रहे, हाँ जयकार से ब्रदर हो, इसलिए इसलिए भगवान की जितने जोर से जयकार लोगे ना, ठाकुर का थोड़ी जय है, जय दे तुम्हारी, जो जितने जोर से जय देते हैं ना उसका पाप उतना ही उड़ जाती है, लेकिन उड़ कर कहाँ जाएगी, जो जयकार नहीं देगा उसको बर्बाद जाएगा, इसलिए एक साथ में जयकार दो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। अभी भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, लग रहा था जैसे मानो आज ही कृष्ण जन्म होने वाले। ब्रज में देखना, गांव में 8 बजे तक सब जगे रहते हैं, उसके बाद में सब सो जाते हैं। सबके सब सोच रहे थे हो ना हो आज लाला का जन्म हो जाएगा। बोले एक काम करो, 8 से 10, 10 से 12 ड्यूटी लगवा दो, मजरा दे दो, ढोलकी दे दो, हैं चिमटा दे दो, कीर्तन करते रहे। अभी 8 से 10 तक जिनको ड्यूटी लगवाए वो तो कीर्तन कर रहे थे, लेकिन 10 से लेकर के 12 बजे तक जिनको ड्यूटी लगवाए ना, जोग माया ने आकर के सबको उन्होंने सुला दी। उनको पता ही नहीं चला कब श्री वसुदेव महाराज आए और उन्होंने बेटा को रख करके बेटी को लेकर चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। एकदम सवेरे सवेरे सुनंदा की आंख खुली, देखा सबके सब सोए पड़े हुए। बोले भैया भाभी का क्या हालत है? उन्होंने दरवाजा खोल करके देखा, मैया जसोदा की गोद में सुंदर श्याम रंग का एक बालक किलकारी मारते हुए वहां खेल रहा है। बोले भैया किसको पता ही नहीं पड़ा कब कृष्ण जन्म हो गए, किसको पता ही नहीं पड़ा। बोले ये पहला खबर श्री किसको देनी चाहिए? पहला खबर देनी चाहिए श्री नंद बाबा को, अरे मेरे को नबला का हार मिलेगी। बोले नंद बाबा है का ढूंढो तो सही, ढूंढते ढूंढते देखा ब्रह्मांड घाट में बड़े बूढ़ों को बीच में बैठ करके माला सटका रहे थे, लेकिन उसमें माला जप नहीं हो पा रहा था। वो सोच रहे थे घर में छोरा कब होएगा, छोरा कब होएगा, छोरा कब होएगा। इतने में श्री सुनंदा ने आकर के बोला, बोले भैया कमाल है गया है। जब उन्होंने इतना बोले ना, नंद बाबा तो छलांग लगा दी। बोले बहन ने कहा भैया है? बोले पता पहले मुझे मिलेगा क्या? बोले ले नवला की हार तू ले ले, लेकिन बता दे घर में कहा भयो है। बोले बाबा बात इतने बड़ी बात है, जिसको सामने ये नवला के हार भी कुछ नहीं, बताओ और क्या मिलेगा। बोले यमुना किनारा में जितने जमीन जागाते हैं ना, आज से तेरे नाम पर लिख देता हूँ, लेकिन बता दे घर में कहा भयो है। बोले बाबा बात इतने बड़ी है, जिसको सामने ये सारी जमीन जागाते भी फीको है, बताओ और क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काटी तू ले ले, जो इच्छा खोल करके ले लेना, लेकिन बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया बात इतने बड़ी है, ट्रेजरी का चाबी काट भी उसके सामने कुछ नहीं। बोले ये भी कुछ नहीं? बोले नहीं। बोले बताओ और क्या मिलेगा। बोले आज से मैं तेरा ही हो गया, बोल दो तो घर में कहा भयो है। बोले बाबा आज तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए, कितने कठोर तपस्या दान पुण्य कितना कर रहे थे, घर में लाला की कब जन्म होएगा। पहला बार लाला का मुख दर्शन करके उन्होंने मन मन में उन्होंने
नाल 20 लाख गैया उन्होंने मन मन में दान कर दी और 7 तिल का पर्वत जिसमें मखमल वाले कपड़े को ओढ़ करके जो तिल दान को बड़ा दानी माना जाता है उन्होंने ब्राह्मण को दान देने के लिए संकल्प किया और उन्होंने बोले पहले ब्राह्मण साधियों को बुलाओ इनकी कृपा से आज लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है पहले ये स्वस्ति वाचन पढ़ कर लाला को आशीर्वाद दे ब्राह्मण संत आकर के स्वस्ति वाचन पढ़ करके लाला को आशीर्वाद दिए बोले जाओ पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो मेरे घर में लाला भयो है सबके सब बधाई देने के लिए आए जितने ब्रज की गोपियां थी 84 गज की लहंगा पहन करके बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए दूध दही मक्खन घी लेकर के सबके सब गोपियां आ करके श्री मैया यशोदा को बधाई दे रही है हाँ इधर देखो जितने माताएं देखो आप लोग सब मैया यशोदा की दल हो आप सब गोपियां हैं हैं आप लोग गोपियों के दल है मैं बोलूंगा जितने गोपियां मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं मैं बोलूंगा मैया यशोदा बधाई हो और आप लोग है ना जोर से बोलना बधाई हो ठीक है ना बोले मैया यशोदा बधाई हो बधाई हो बधाई हो आनंद नहीं है आप लोग जोर से कोई बोले देखो पहले माताएं बोलेगी फिर भाई लोग बोलेंगे हम देखेंगे इसका आवाज तेज है हारना नहीं अगर आप लोग हार जाओगे ना हमारी राधा रानी हार जाएगी गोपियां हार जाएगी ठीक है ना हारना नहीं जोर से बोलना बोले मैया यशोदा बधाई हो मैया यशोदा बोली बधाई हो ब्रज की गोपियों तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मैंने लाला का मुख दर्शन किया है ये लाला मेरो नहीं ये लाला तुम लोगों का लाला है जितने गोपियां कन्या को आशीर्वाद दे रही थी जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरे लाला सबके सब लाला को आशीर्वाद दे रहे थे और जितने गोप लोग थे ना हैं ये सबके सब श्री नंद बाबा को बधाई दे रहे थे नंद बाबा का दल देखो इधर इधर नंद बाबा का दल देखो इतने जोर से बोलना जैसे अब हारना नहीं चाहिए ठीक है ना जोर से बोलना अभी जितने ब्रजवासी थे पुरुष लोग थे गोप लोग नंद बाबा को बधाई दे रहे थे मैं बोलूंगा बधाई हो आप लोग जोर से बोलना बधाई हो बोले नंद बाबा बधाई हो ये बाबा ने उनको जिता दिया था इन्होंने गड़बड़ कर दिया ओ माइक में बोल दिया लेकिन जो कुछ हो ना गोपियां ही जीतती है गोपियां जीतती है इसलिए जितने गोप लोग थे सबके सब कन्या को आशीर्वाद दे रहे थे जुगु जुगु जियो रे यशोदा मैया तेरे ललना अभी सारे ब्रजवासी आ गए लेकिन केवल दो व्यक्ति बाकी बोले कौन बोले वृषभानु महाराज और कीर्तिक मैया ये राधा रानी की पिता माता ये दोनों में बड़ी मित्रता है अभी ये आ जाए ना फिर नंदो उत्सव आरंभ होगा देखते देखते श्री कृतिका सुंदरी और श्री वृषभानु महाराज दोनों प्रवेश किए हैं बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए मैया कृतिका हाँ दूध दही मक्खन घी लेकर के प्रवेश की जब प्रवेश की इतने में एक गोप ने किया कि एक लठिया लिया लेकर के मटकी को जोर से मारे मारते ही वो मटकी फूट गई और मैया कृतिका सुंदरी दूध दही से स्नान कर ली एक दधि का अति मंगलवाची होता है हल्दी और उसमें घी मिला करके एक दूसरे को ऊपर लगाते हैं हाँ? इसलिए एक दूसरे को ऊपर लगा रहे थे वहां एकदम किचड़ किचड़ हो गया कीच कीच हो गया और प्यार फिसल फिसल करके एक दूसरे को ऊपर गिर रहे थे और गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल जय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल जय जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल जय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल जय जय कन्हैया लाल की हाथी
छोड़ा पाल के ब्रजवासी गा रहे थे, लेकिन श्री नंदन बाबा बैठी बैठी करके मटक मटक करके देख रहे थे। जितने बरसाना नंदगांव के गोप थे ना, बोले नंद बाबा देख आज तेरे घर में लाला भयो है, सारे ब्रजवासी कितने आनंद से नाच रहे हैं। अरे कम से कम आज का दिन नाच तो ले। हमारे गोस्वामी लोग बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बोले श्री नंद बाबा का आंगन बहुत बड़ी आंगन थी, इतने दूध दही मक्खन लेकर के आए थे ना, पूरा वो आंगन दूध दही से पूरा भर गया था, लग रहा था जैसे एक खीर समुद्र है। और नंद बाबा को पकड़ करके उसका बीच में ले आए नंदगांव बरसाना का गोप, और नंद बाबा ने अपना कमर में एक फेटे को उन्होंने बांध करके रखा था, एक तरफ में बरसाना का गोप और दूसरे तरफ में श्री नंदगांव के गोप, दोनों तरफ से पकड़े हुए थे। और ऐसे लग रहा था मानो यहाँ पर खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था, देवता दैत्य मिल करके जब लवण समुद्र का मंथन की, सबसे पहले क्या निकला, बीस निकला। लेकिन यहाँ पर वहां देवता दैत्य रज और तमगुणी, लेकिन यहाँ पर दोनों ब्रजवासी ये निर्गुण हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या निकला, बोले आनंद कंद कृष्ण स्वयं निकलते हैं। और लवण समुद्र से 14 रत्न निकला था, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं, हे परीक्षित जब कृष्ण जन्म हुए नंद बाबा इतना दान दक्षिणा दिए, ब्राह्मण लोगों तो हीरे जवाहरातों को पोटली बांध करके ले नहीं पा रहे थे, उसकी कोने से गिरते 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 जा रहा था, अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखर रहा था, वहां पर ऐसे लग रहा था माँ लक्ष्मी स्वयं कृष्ण आने पर स्वयं आनंद से नाच रही है, ऐसे लग रहा था। अभी वहां पर स्वयं भोले बाबा आए थे, 33 करोड़ देवता आए थे, वहां पर श्री भोले बाबा भी आए थे। आप लोग बताओ भोले बाबा का वाहन कौन है, कौन बोलेगा हाथ उठा, कौन है, बैल है, वो भी गैया का रूप है। नंद बाबा उन्होंने 20 लाख गैया दान दी, 20 लाख समझो कितना गैया होगा, इतने गैया दान दे रहे थे। इतने में शंकर तो भ्रमित हो गए, बोले क्यों, बोले इतने गैया दे रहे हैं, मेरा भी बैल भी गैया है, अगर भूल से मेरी नंदी को अगर दान में दे दिया भैया मैं इसमें बैठ कर जाऊंगा, मेरे बाहर ही चला जाएगा। शंकर तो उसको पूछ को पकड़ कर खड़े थे, बोले वहां पर मैया पार्वती भी आई थी, बोले हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, उन्होंने इतने हाथी घोड़े को दान दिए, और उनको बेटा जो श्री गजानन गणेश उसका सर भी हाथी जैसे, बोले भैया भूल से अगर मेरे बेटे को हाथी मान कर दान दे दिया फिर तो मेरा बेटा ही चला जाएगा। उन्होंने गोद में उठा करके उन्होंने बड़ी जोर से चिपका करके खड़ी थी। और वहां पर आए थे कौन, स्वयं सारे धन की अधिष्ठात्री देवता स्वयं आए थे, हाँ कहते स्वर्ग से, हाँ कहते वो भी आए थे दर्शन करने के लिए। अभी उन्होंने देखा, उन्होंने इतना दान इतने दान दे रहे हैं जैसे कुबेर, उनका सर भी नीचा हो गया, बोले भगवान गुरमुट का कुबेर बना दिया। आज नंद बाबा इतना दान दे रहे हैं, भैया मेरे पास में भी इतने वस्तु है ही नहीं, लज्जित तो हो गए। इसलिए सारा दुनिया आनंद में नाच रहे थे और गा रहे थे, क्या गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन सबके सब तो नाच रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं नाच रही थी, बोले कौन है, बोले माता रोहिणी। बोले क्यों नहीं नाच रही थी, बोले वो है प्रोषित भत्रिका। बोले इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है जिसका पति दूर देश में हो और विपद में पड़ा हुआ हो, पत्नी कभी सभी को सामने नहीं नाचे। बोले पति कौन है, बोले श्री वसुदेव महाराज। बोले कहाँ पर, बोले मथुरा में। बोले किस स्थिति में, बोले जेल में। अगर किसका पति जेल में हो उसका पत्नी सबके सामने नाचेगी कभी, इसलिए सारा दुनिया नाच रहे थे, लेकिन वही अकेली बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी। नंद बाबा देखा, भैया ये रोहिणी कहाँ गई, मैया जसोदा तो अभी लाला जन्म दियो है, घर में दो ही स्त्री, लेकिन घर का सदस्य कहाँ है, देखा वो तो गुमसुम बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई थी। नंद बाबा बोले रोहिणी घर में तुम दो ही स्त्री हो, अभी तो मैया जसोदा बच्चा जन्म दी, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती,
अभी तो तेरे को तो सारे काम करना पड़ेगा ना। लेकिन उन श्री दाऊ भैया 15 दिन पहले दाऊ भैया जन्म हुए, लेकिन वो जब से जन्म हुए थे तब से दाऊ भैया आंख बंद करके रखे थे। बोले जब सर्वप्रथम मैं आंख खोलूंगा सबसे पहले कृष्ण कन्हैया को दर्शन करके फिर ये दुनिया को मैं देखूंगा। इतने में उन्होंने रोहिणी को लेकर के आए, बोले रोहिणी आ मेरे लाला को थोड़ा आशीर्वाद दे करके आओ। रोहिणी दाऊ भैया को ला करके कृष्ण को पलंग में सुला दिया। जब सुला दिया दाऊ भैया को जब पता चला मेरे कन्हैया मेरे आ गया है, इतने में कृष्ण दाऊ भैया को हाथ रखते ही ना, इतने में दाऊ भैया ने आंख खोल दी। मैया रोहिणी तो प्रसन्न थी लेकिन दुखी थी, बच्चा जन्म से आंख बंद करके रखा। लेकिन पहला बार जब उसने आंख खोल दी मैया रोहिणी को तो आनंद में और रहा नहीं गया। फिर तो अभी ठुमुक लगा कर वो भी सबके बीच में नाचने लग गई। अभी सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं, प्रभु जी के भजन गाएंगे, आप सबको नाचना ठीक है भगवान की।